सांसद हेमा मालिनी लंबे समय के बाद मथुरा आई। यहां उन्होंने सरकार की तरफ से जनपद में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निरीक्षण किया। इसी दौरान जिला अस्पताल में बनाए जा रहे पीपी वार्ड का निरीक्षण किया गया। यहां संबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा गया कि वैज्ञानिकों की तरफ से कोरोना की तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है उसमें गर्भवती महिला और छोटे बच्चों पर असर पड़ने की आशा जताई जा रही है। इन सभी की रोकथाम के लिए शासन की तरफ से पहले से ही इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसमें महिला जिला चिकित्सालय में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए पीपी वार्ड का निरीक्षण किया गया और ज्यादा सुविधा मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए गए। जैसे मैं यहाँ पर कुछ काम कराने वाली हूँ बच्चों के लिए खास, तो इसके लिए देखने के लिए आई। बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें काफी इक्विपमेंट्स बेड वगैरह बनाने का, उसका जितना भी निधि आ रहा है सब बता रहे हैं, उसके हिसाब से करेंगे, उसको और भी एक्सपेंड भी पीछे से करने वाले हैं। उसका सब कितना एस्टिमेट आने वाला है पता करके, इसके लिए बहुत अच्छा सा बच्चों के लिए कराना है कोरोना के लिए। उसके बाद भी कोरोना तो ये तो टेम्पररी है ना, हम लोग चाहते हैं कि टेम्पररी हो, उसके बाद भी